दर्शकों, मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस खास चैनल में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके भविष्य। तो दर्शकों, आपके ढेर सारे प्यार के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और ऐसे ही प्यार आप करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दर्शकों, कम से कम कल 200 से 300 मैसेज यही आए हैं कि कंगना रनावत का राजा जी क्या होगा, परमात्मा जाने क्या होगा, लेकिन उनका ज्योतिष यही बताता है वह बहुत जल्द आपको राजनीतिक कारणों में मिलेगी। राजनीतिक कारण यानी राजनीतिक चर्चा, यानी कि वह कोई एक सत्ता धारण करने वाली है, यह आपको भविष्यवाणी अभी से करता हूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन यह कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता में जाने का एक, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आज हम आपको दो उपाय बताते हैं, दो महान उपाय। आपकी इतनी बड़ी बड़ी समस्या है तो मेरे पास छोटा उपाय करके देखिए, आपका भविष्य बदल जाएगा, भविष्य सुंदर हो जाएगा। एक बार अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखिए, कहीं उसके बीच में कहीं डस्टबिन तो नहीं रखा, देख लीजिए। जरूर समय आपके पास बहुत सारा है, आप बाद में देख लीजिए, पहले मेरा वीडियो जरूर देखिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसा डिस्पोजल है जहाँ से आपको पॉजिटिविटी का आक्रमण होता है, अटैक करेगी पॉजिटिविटी, वहाँ से पॉजिटिविटी हर इंसान को चाहिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए। एक तो यह विचार सबसे ज़्यादा जरूरी है, अच्छा व्यवहार जरूरी है और ये जीवन साफ होनी चाहिए, मतलब सफाई से बोलिए, झूठ मत बोलिए। भविष्य सुधारने के लिए सबसे पहले अपने घर का वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए, अगर वहाँ पे कुछ कचरा हो या कुछ हो गंदगी वहाँ से निकाल दीजिए। और एक बात, ग्रीन कलर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर कभी मत कीजिए, क्योंकि वह आपके कर्जे को बढ़ाएगी, आपको मान सम्मान को घटाने की कोशिश करेगी। आप अपने साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को देखिए, कहीं वहाँ पे पौधा लगा हुआ है तो तुरंत ही उस चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर में आकस्मिक दुर्घटना के भी योग बनते हैं। आप इस जो लग्जरी बजट है, इस नॉर्थ डायरेक्शन को कहते हैं लग्जरी और शुक्र को कहते हैं लग्जरी। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन साफ होगा तो आपके जीवन में लग्जरियाँ ही लग्जरियाँ आएगी, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, जिस तरह कंगना रनावत एक फेमस सेलिब्रिटी है, उनके ज्योतिष अंकों के अनुसार, उनके ग्रहों के अनुसार उनका बृहस्पति बहुत ही मजबूत है और शुक्र मजबूत है, इसलिए वह राजनीतिक कारणों में पड़ेगी। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मेरे छोटे उपाय को जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए और मेरे वीडियो से आनंदित रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। राधे राधे दर्शकों।